तेरी सच की कहानी लिखा देंगे। ए दोस्त, ये बिग बॉस का घर है, तेरा रंग दिखा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आडी भाई, एक बार फिर पहली बातें पर। और आज मैं बात करने वाला हूं सबके दिखते अलग अलग रंग। दोस्तों, कहीं ना कहीं अभी तक ये कहा जा रहा था कि बिग बॉस में सभी कंटेस्टेंट जो आते हैं उनका असली रूप दिखता है, पर कहीं ना कहीं बिग बॉस का भी असली रंग दिखने लगा है। बिग बॉस का असली रंग दोस्तों, मैं बताऊं, कहीं ना कहीं बिग बॉस जो घूम रहा है दर्शक के हिसाब से, वो अभिजीत केडकर और शिवानी सुर्वे के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो तरीके का बिग बॉस का शिवानी सुर्वे और अभिजीत केडकर को लेकर रवैया रहता है, वो शायद अदर कंटेस्टेंट के साथ नहीं रहता। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा कैप्टेंसी टास्क का, जहां पर शिवानी सुर्वे ने इतना अपमानजनक क्रिया किया है हीना पांचाल के साथ, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। जब कैप्टेंसी टास्क चल रही थी, शिवानी सुर्वे ने, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, आपको इस पे ध्यान लाना चाहूंगा कि शिवानी सुर्वे एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो वापस आती है और कहती है, पहले तो उन्होंने पर्सनली अटैक किया वीणा जगताप को। अटैक करने के बाद वो कहती है, आई एम सॉरी, मुझे हर्ट हुआ था इसके वजह से मैंने किया, मुझे पर्सनली अटैक नहीं करना चाहिए और किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो ये कह के सॉरी कहती है, और दूसरी तरफ जब मैं कैप्टेंसी टास्क देखता हूँ तो वो पर्सनल अटैक करती है हीना को। हीना पांचाल को ना सिर्फ उनकी माँ को लेकर पर्सनली अटैक करती है, बल्कि उन्हें कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। दोस्तों, ये देखना लाजमी होगा इस वीकेंड, इस शनिवार और रविवार को, कि क्या महेश मांजरेकर इस टॉपिक को उठाते हैं और क्या डांट लगाते हैं शिवानी सुर्वे को। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हुए हैं इस हफ्ते में जो बताएगा कि क्या बिग बॉस के साथ साथ महेश मांजरेकर की होस्टिंग भी बायस्ड है, वो देखना चाहिए। रही एक बात, जहां पर महेश मांजरेकर को चेक किया जाएगा कि क्या ये कुत्ते वाली टॉपिक वो उठाएंगे, दूसरी तरफ मैं बात करूं नॉमिनेशन टास्क। नॉमिनेशन टास्क में जिस चीज के लिए माधव को डिसक्वालीफाई किया गया, डायरेक्ट नॉमिनेट किया, और उस चीज के लिए बिग बॉस ने डायरेक्ट अनाउंस किया, वहीं पर अगर देखा जाए तो वीणा जगताप और अभिजीत केडकर भी अपने नीली पट्टी को छोड़कर येल्लो पट्टी पे एक पांव रख चुके थे, लेकिन शायद बिग बॉस को ये दिखा नहीं। बिग बॉस को ये दिखा नहीं, या वो देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे अभिजीत केडकर को नॉमिनेट नहीं करना। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से अभिजीत केडकर इज प्लेइंग वेरी वेल, बट जिस हिसाब से अभी तक वो नॉमिनेशन में आए नहीं है, सिर्फ एक बार आए थे और अभी तक आए नहीं है, कहीं ना कहीं वो टॉप 5 टॉप 3 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप कितने गहराई में हो, अगर आपको ये गहराई ना पता हो तो शायद आप डूब सकते हो। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है अभिजीत केडकर के साथ, आई होप ऐसा ना हो। वहीं थर्ड चीज मैं आपको देखना चाहूंगा, शिवानी सुर्वे जैसे ही कैप्टेंसी जीतती हैं, जिस तरीके से उनका बिहेवियर है वीणा को लेकर, हीना पांचाल को लेकर, अदर फैमिली मेंबर जो भी हैं बिग बॉस हाउस के, वो कुछ नहीं बोलते, वो अलग चीज है, बट जिस हिसाब से वो दिखा रही हैं खुद को, वो सीधा साधा हिटलर गिरी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम है महेश मांजरेकर ये बात उठाकर मजाक हंसी में उड़ा सकते हैं। दूसरों दोस्तों, अगर मैंने आगे बात करना चाहा तो ये 7-12 टास्क, जहां पर नेहा शितोड़े फिर एक बार बहुत ही गंदा गेम खेलती हुई नजर आए। देखो, दिमाग लगाना, कोई टास्क में अपनी चतुराई सिद्ध करना इज वेरी नाइस थिंग, बट जब एक बार टास्क बोल दिया गया है कि भैया आपको करना है तो आपको वैसा करना है, कहीं ना कहीं, क्योंकि जब ज्यादा दिमाग लगाने लगता है कोई, तो कहीं ना कहीं आप दर्शक को इरिटेट करते हो। उस नजर से जो चल रहा है सोशल मीडिया पे कि नेहा शितोड़े जिस तरीके का बिहेव कर रही थी 7-12 टास्क में, वो कहीं ना कहीं इतना बकवास गेम है कि लोगों ने यहां तक अंदाजा लगा लिया कि पराग ने जो धक्का मुक्की किया, जो भी नेहा को मारा गया या गलती से लगा है, वो सही हुआ यार, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आप जैसी हरकतें करते हो किसी की, वो उनका इंटेंशन नहीं था पर उनसे हुआ, वो कहीं ना कहीं गलत था, लेकिन जिस हिसाब का आप काम करते हो ना, फिर वो गलत चीज भी सही नजर आने लगती है। वहीं कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि इस शनिवार रविवार किसको गुड परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, वर्स्ट परफॉर्मर, एक्स वर्स्ट, डबल एक्स वर्स्ट, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां महेश मांजरेकर लेके आते हैं, पर दोस्तों अगर मैं पूरा ओवरऑल ये हफ्ता देखता हूं तो मुझे टास्क के नजरिए से सिर्फ और सिर्फ
शिव ठाकरे एक ऐसे प्लेयर नजर आते हैं जिन्होंने रोडी स्पिरिट दिखाई। अगर कैप्टेंसी टास्क की बात करें, सीधा हाथों का इस्तेमाल करके जो उनका ताकत था, जो स्टैमिना, जो स्ट्रेंथ है, वो कम्प्लीटली दिखता हुआ नजर आया और उन्होंने किस तरह शिवानी को जीतने में मदद की। साथ ही माधव का भी हाथ था। सेकेंडली अगर मैं बात करूं नॉमिनेशन टास्क में, तो शिव इतना फोकस, इतना कामली वो गेम खेले, नहीं नॉमिनेट हुए। थर्ड अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 7-12 टास्क में जो ताकत, जो चतुराई, जो तरीके का दिखाया है, वो सच में कमेंडेबल जॉब है दोस्तों। अगर देखने जाए तो शिव एक बढ़िया परफॉर्मर नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। दूसरी तरीके से अगर मैं बताऊं, एक हम लोग लैंग्वेज में यूज करते हैं सुमड़ी में कुमड़ी, अगर सुमड़ी में कुमड़ी कोई करता हुआ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ रूपाली, जो इस समय बन चुकी है शिवानी सुरवे की टट्टू। शिवानी सुरवे जैसा करती है, शिवानी सुरवे आम को इमली कह दे तो रूपाली बोलेगी हाँ आम नहीं वो इमली है, क्योंकि वो देखते हुए नजर आया जब हीना पांचाल चिल्ला रही थी शिवानी के एक्टिंग के ऊपर। देखिए वो एक्टिंग था, रोना था, धोना था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा मानना है कि जो दिल है वो सबके लिए एक जैसा होता है। अगर उसे दर्द महसूस होता है तो वो रोता है, पर एक तरीके से देखा जाए जब आप खुद हिंसा करती हो तो उस वक्त आपको रोना नहीं आता, पर जब आप दूसरे के ऊपर हिंसा करते हुए देखती हो तो पता नहीं कैसे आपको रोना आता है। दोस्तों टास्क के दौरान जिस तरीके से आरो ने शिव को लॉक किया था और वहां पर शिव ने अपना ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और फूल को डैमेज करने की जो कोशिश करी, और उन्होंने कोशिश किया कि मैं हर्ट हो जाऊं लेकिन कोई और हर्ट ना हो, जो वो चीजें दिख रही है। रोडीज का ये रूल है, ऑलवेज यू रेस्पेक्ट टू गर्ल, ऑलवेज बिहेव प्रॉपरली, अगर आपको ये छोड़ना पड़े कुछ तो छोड़ दो, ये सारी चीजें जो रोडीज में दिखाई जाती है वो चीज